जनरेशन છે એ આગે એમાંથી કઈ બોધપાઠ લઈ શકે. देखिए मित्रों, सेना में जो जवान होता है ये युद्ध की भूमि में मरने के लिए जाता है, इसलिए तो उसको तनख्वाह मिलती है. उसको तनख्वाह मिलती है इसलिए वो सेना का जवान युद्ध की भूमि में मरने के लिए तैयार नहीं होता है. वो मरने के लिए इसलिए तैयार होता है, इस मिट्टी को प्यार करता है. अगर आप अपने जीवन में किसी चीज को प्यार करो, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं. तो आमतौर पर महिलाओं का स्वभाव कैसा होता है, मैं गलती करूं तो सब माताएं मुझे क्षमा करें क्योंकि मेरा नाता थोड़ा कम है, लेकिन असेसमेंट मेरा गलत हो जाए तो मुझे क्षमा करें. लेकिन आमतौर पर महिलाएं क्या करती हैं, घर में अगर वो खाना पका रही हैं, अपनी रोट चपाती बना रही हैं और चाहती हैं कि अपने पति देव को गोल मोल बराबर फूली हुई अच्छी चपाती दे. अब वो खाना पका दे रही है और तैयारी कर रही है, इतने में कहीं एकाध चपाती में से भाप निकल आती है, स्टीम निकल आती है और उसकी उंगली पे थोड़ी जल जाती है. तो वो कुछ दवाई वगैरह लगाती है, लेकिन हर पल देखती है घंटी कब बजेगी. वो इंतजार करती है कि पतिदेव आए, और ये चाहती है कि पतिदेव मेरी उंगली में जो जलिया हूं, जो जलन हो रही है, इसको वो फील करें. और वो भी चाहती है कि बच्चे देखते ना हो तो उस पर फूंक भी लगा दें. चाहती है ना, मैं गलत हूं तो मुझे क्षमा करना, लेकिन उसका मन करता है कि इस चपाती को बनाते बनाते अगर वो जली है तो उस जलन को नोटिस किया जाए, और वो भी सुप्रीम के माध्यम से नोटिस किया जाए. और 50 बार फूंक लगाए खाना परोसते समय भी यूं करेगी, थोड़ा डाल भी देगी बगल में, कपड़े भी खराब करेगी, पूछा नहीं तो कपड़े खराब करेगी, पलटल कपड़े खराब कर. नहीं नहीं वो तो मैं जल गई थी ना, जल गई थी तो पहले बताना था, उनको फिर मामला ठीक कर लेते हो. लेकिन वही माँ, वही महिला बाजार में सब्जी लेने गई, साड़ी का स्टॉल लगा है, डिस्काउंट पीस 20% है, क्या होगा, सब्जी बाजू में और साड़ी की दुकान में जाएगी, और साड़ी की दुकान में बढ़िया बढ़िया साड़ी है, 20% डिस्काउंट है, उसका मन करता है ये लोग बोलो ये लोग बोलो. और इतने में खबर आती है कि फलाने मोहल्ले में आग लगी है. वो तुरंत वहां से भागती है, साड़ी पैसे जो भी होगा भूल जाती है, दौड़ती है और जाकर के देखती है अपना खुद का घर जल रहा है. तो चीखती है, बड़े बड़े तंदुरुस्त लोग, बड़े बहादुर लोग मकान को आग बुझाने के लिए कोई पानी डाल रहा है, कोई ये डाल रहा है, तो ये जाकर के चीखती है, अरे मेरा बेटा अंदर रह गया, मेरा बेटा अंदर है. सारे मर्द लोग एक दूसरे का मुंह देखते हैं, इंतजार करते हैं क्या हुआ होगा. और तब वो मां उस जलते हुए मकान में कूद पड़ती है और बच्चे को लेकर के आती है. बच्चे को लेकर के आती है, भाप के कारण, जिसकी उंगली पर जलन के कारण वो 50 बार फूंक लगाती है, उस माता के भीतर शक्ति का रूप होता है. जब बेटा होता है तो कूद पड़ती है. दोस्तों, अभय यही से फायदा होता है. निर्भय यही से फायदा होता है. मुझे स्मरण है, मैं 1992 में श्रीनगर गया था, लाल चौक में तिरंगा झंडा फहराने के, और आतंकवाद बड़े पुरजोर में था, और आतंकवादी हिंदुस्तान के तिरंगे झंडे को जमीन पर रौंदते थे, उसको जलाते थे, उसको अपमानित करते थे, तिरंगे झंडे से अपनी कार साफ कर रहे हैं, जूते साफ कर रहे हैं और कैमरा के सामने सब करते थे. ये दृश्य मेरे दिल में आंख पर तो हमने एक यात्रा निकाली थी कन्याकुमारी से, तिरंगा झंडा लेकर के चल पड़े थे हम, और तय किया था हम श्रीनगर के लाल चौक में जाकर के तिरंगा झंडा फहराएंगे. मित्र, आतंकवादियों की इस जगह पे जाके तिरंगा झंडा फहराने का सोचना क्या क्या लगता है. मित्रों, हम निकले तो श्रीनगर के अंदर आतंकवादियों ने पोस्टर्स लगाए थे, दीवारों पर लिखा था कि हम देखते हैं कि किसने अपनी मां का दूध दिया है कि जो श्रीनगर के लाल चौक में झंडा फहरा करके वापस जाए. जब मैं अपनी यात्रा कन्याकुमारी से लेकर के चलते चलते हैदराबाद पहुंचा तो मुझे वहां से वो पोस्टर वगैरह के फोटो ये सब मेरे पास आया, और मैंने हैदराबाद से अपनी स्पीच बदल दी.
मैंने अपने भाषण का रंग रूप बदल गया, मेरा भीतर से आवाज उठने लगी और मैंने हैदराबाद की सभा में ललकार किया था। उसके बाद में एक महीने के बाद 26 जनवरी को श्रीनगर के लाल चौक में पहुंच रहा था और तब मैंने कहा था मित्रों, उस समय की अगर वीडियो क्लिपिंग हो गया तो आप देख सकते हैं, और मैंने भरी सभा में हैदराबाद में कहा था, मैंने कहा मुझे आतंकवादियों ने मुझको ललकारा है और आतंकवादियों ने कहा कि किसने अपनी माँ का दूध पिया जो 26 जनवरी को श्रीनगर के लाल चौक में आकर बताया। और तब जाकर के मैंने कहा था कि मैं 26 जनवरी को सुबह ठीक 11 बजे श्रीनगर के लाल चौक पहुंचूंगा, मैं बुलेट प्रूफ जैकेट पहन करके नहीं आऊंगा, मैं बुलेट प्रूफ गाड़ी में नहीं आऊंगा, हाथ में सिर्फ तिरंगा झंडा लेकर के आऊंगा। और फैसला 26 जनवरी को श्रीनगर के लाल चौक में होगा किसने अपनी माँ का दूध पिया। और मित्रों, मैं समय पर गया, तिरंगा झंडा फहराया और आज आपके सामने खड़ा। ये मैं आतंकवादियों से आज नहीं लड़ रहा हूं मित्रों, बड़े लंबे अरसे लड़ रहा हूं।